हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लव रीडिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रह रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि डज़ योर पार्टनर थिंक अबाउट यू, या रिलेशन के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं कि नहीं, या आपको लेके ये पर्सन क्या सोच रहा है हाल फिलहाल में। और इसके बाद में कुछ लोगों की जो है वो पर्सन रीडिंग करूँगी, क्वेश्चंस के आंसर हैं उनके, वो मैं आप लोगों को दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। एक जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड लीजिएगा। और जिसने भी मुझे अपने क्वेश्चंस का उनको मेरे से आंसर चाहिए, आपने मुझे वीडियो के नीचे ही कमेंट करना है, मैं उन्हीं को ही फॉलो करूंगी। तो देखते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप को लेकर। फोकस करें अपने अपने पार्टनर पर। जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है मैच ना करे, तो जितना रीडिंग मैच करे उतना लेना, बाकी को लेट गो करना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। नाइट ऑफ कप, तो कुछ ऑफर ये पर्सन करने के बारे में सोच रहा है, लाइक कोई लव ऑफर करने के बारे में सोच रहा है। कुछ जजमेंट देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ जजमेंट आ रही है थ्रू यूनिवर्स। और देखती हूँ क्या थिंक कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, लव ऑफर, कमिटमेंट ऑफर। और अगर हाल फिलहाल में आप लोग हार्ट ब्रोकन हो या थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान में है, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप से मूव ऑन हो रही है। ओके, ऑफर आ रही है, सॉलिड कमिटमेंट आ रही है, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से जा रही है, या थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय करने लगे हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्स। ओके, क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ, ऑफर है, लव ऑफर है, पेंटिकल्स है, कमिटमेंट है, क्लियर कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है। और कहीं ना कहीं आपको एज आ एम्प्रेस आपकी ब्यूटी को सराहा जा रहा है, आपको बहुत पसंद किया जा रहा है, एडमायर किया जा रहा है। थिंकिंग प्रोसेस में ऐसा ही आ रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, आपको जजमेंट मिलनी चाहिए, और थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान से रिमूव होनी चाहिए। ऐसी थिंकिंग है आपके पार्टनर की हाल फिलहाल में। अब मैं थोड़े से लोगों की जो है वो करूँगी पर्सन रीडिंग, ताकि उनके भी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उन्हें अवेलेबल हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे लिए स्वाति का। स्वाति का क्वेश्चन है, इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं कि उसने मुझे बहुत दुख दिया है, प्लीज़ मैम उसके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, डिटेल में बताइएगा। स्वाति, मैं आपकी रीडिंग को डन करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स का बताऊँ कि उन्होंने आपको दुख क्यों दिया है। ओके, तो देखते हैं कि क्या दुख की वजह निकलती है मेरे पास, और आपका फ्यूचर इनके साथ है कि नहीं, कि आपको मूव ऑन करना है। स्वाति, आपकी रीडिंग कर रही हूँ मैं। स्वाति चौहान है शायद। ओके, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की इच्छा थी आपको एक स्टेबिलिटी देने की। ओके, ऑफर करने की, लव ऑफर, बस कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर ना कोई प्रेशर है, कोई फैमिली प्रेशर है, या बर्डन है, या इसके कुछ हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं इस पर्सन के, या इसकी फैमिली में कोई ऐसा है पर्सन जो बीमार है, सिक है, कुछ ऐसी कंडीशन मुझे लग रही है आपकी सिचुएशन में। ओके, और मैं देखती हूँ कि और दुख की क्या वजह हो सकती है, लेकिन इच्छा मुझे लग रही है इस पर्सन की आपको कमिटमेंट देने की, ऑफर करने, लेकिन बर्डन है, हो सकता है घर की जिम्मेदारियां हैं, हो सकता है कोई कैरियर को लेके ये पर्सन अभी इतना सेटल नहीं है, या क्वीन ऑफ वैन। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन है कंसर्न आपसे। ओके, दोनों ही एनर्जीज मेरे पास क्वीन ऑफ वन है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, या कोई मदर फिगर है, या कोई लेडी है, कोई ऐसी जो आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के रिलेशनशिप को स्ट्रक किए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपको मिस करता है। ओके,
मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान में फैमिली इशू ही हैं या मैरिज को लेके कुछ इशू हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स फैमिली इंडिकेट मुझे कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी कुछ नेचर है, आप चाहती हैं कि आपकी कंट्रोलिंग नेचर है कि ये पर्सन को आप कंट्रोल करो, या कुछ ऐसा है बिहेवियर आपका या जो जो इस पर्सन को पसंद नहीं है। अब मैं देखती हूँ कि आपको मूव ऑन होना है इस रिलेशनशिप से। आपकी शायद अपनी ही कुछ नेचर ऐसी है जो आपको टॉर्चर कर रही है, या आप इस पर्सन को थिंक बहुत ज़्यादा करते हो। सो बात ये, मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, देखती हूँ आपको मूव ऑन होना है या इस पर्सन का वेट करना है। या तो आपके पास चॉइसेस हैं या इस पर्सन के पास कुछ चॉइसेस हैं, कुछ जगलिंग चल रही है, या ये पर्सन जगलिंग कर रहा है या आप जगल कर रही हो, या आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है। ओके, कहीं ना कहीं अगर आपके पास ऑप्शन है तो जजमेंट भी है। अगर कुछ ऑप्शन आपके पास है या आप किसी और को लेके जगल कर रही हो बिटवीन इसके और अपने पार्टनर के, तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताना। बट कहीं ना कहीं से जजमेंट मिलती हुई मैं आपको देख रही हूँ रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। हो सकता है यूनिवर्स ही आपके साथ कंपनसेट कर रही हो, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और राइट, अगर ऐसा कुछ है तो स्वाति मुझे बताना। और आगे मैं कर रही हूँ ट्विंकल या यादव, क्विंटन ट्विंकल है इनका नाम है, नूतन नूतन। हाउ विल बी माई फ्यूचर हस्बैंड एंड ससुराल एंड वेयर आई विल मीट हिम, लाइफ स्टाइल मैरिज। ओके, मैं देखती हूँ कि आपके हस्बैंड फ्यूचर स्पाउस कैसे रहने वाले हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स बताती हूँ, फिर देखती हूँ कितने फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ये पर्सन, लाइफस्टाइल कैसा हो सकता है और कहाँ पे मिलोगे, पहले तो देखते हैं। देखो, इस पर्सन की लाइट आईलैशेस हो सकती हैं। ओके, रिगार्डिंग कुछ टीचर हो सकते हैं, या इन्हें पढ़ने लिखने का शौक हो सकता है, या ये कोई लेक्चरर भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकती है पर्सन की, ब्राउन आइज हो सकते हैं पर्सन के, डिम्पल चीक हो सकती है पर्सन की, बियर्ड हो सकता है पर्सन का, प्रॉपर्टी ओनर हो सकते हैं, या ये पर्सन का अपना कोई प्रॉपर्टी बिजनेस हो सकता है, कुछ सेल परचेज, घर को रेंट आउट करना, लाइक इस तरह कुछ हो सकता है। ओके, या ये पर्सन जो है एक रिच फैमिली है, या इसके पास ओनरशिप हो सकती है घर की या अपार्टमेंट की, जो इसका अपना जाती हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपका ससुराल कैसा रहने वाला है, आपका ससुराल कैसा रहने वाला है, आप इनसे कैसे मिलेंगे, और लाइफस्टाइल मैरिज का कैसे रहेगा आपका। देखते हैं लाइफस्टाइल कैसा रहेगा और कैसे आपको ट्रीट किया जाएगा, ससुराल कैसा होगा, कहाँ मिलोगी। तो ससुराल तो आपका पैसों वाला ही है। ओके, और आपका जो पार्टनर होगा वो कैरियर ओरिएंटल होगा, फोकस्ड होगा वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा। काइंड हार्टेड होंगे आपके ससुराल वाले। ओके, हैप्पी फैमिली है आपकी, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा, आपका एक लाइफस्टाइल आफ्टर मैरिज। ओके, फ्यूचर आपका ब्राइट में देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ, रुपया पैसा है, खुशियाँ हैं, ससुराल भी आपका अच्छा है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मुझे लग रहा है, यानी कि आप अपने इन लॉज के साथ ही रहोगी, सेपरेटली नहीं रहोगी। और आपकी शादी की पॉसिबिलिटी मुझे अक्टूबर में लग रही है, अगर तो रिश्ते वगैरह देखे जा रहे हैं, या विद इन अ 5 मंथ्स में पॉसिबिलिटी है, द मंथ ऑफ अक्टूबर है। ओके, मैं ये मंथ देख पा रही हूँ रिगार्डिंग योर मैरिज, अगर तो आप लोगों के प्रपोजल देखे जा रहे हैं। ओके, जहाँ भी होगा आपका मैरिज, वो एक अच्छी और स्टेबल फैमिली होगी, ससुराल भी आपका बहुत अच्छा रिच फैमिली के साथ बिलोंग करोगे। और सेकंड क्वेश्चन है, यू हैव गिवन एग्ज़ाम ऑन 7 मई 2022 ऑफ ESIC, विल आई पास द एग्ज़ाम। तो उसका जवाब तो मैं एंजल से देख लेती हूँ कि एंजल्स मुझे क्या कहते हैं आपके, कि आप पास कर पाओगी कि नहीं।
रिकंसिडर। तो कहीं ना कहीं आपको जिस भी मज़हब धर्म के हो आपको, ओके, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। बॉटम की एनर्जी में है, आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपने भगवान के आगे जिस भी मज़हब और धर्म के हो आप, आपको उस पर सरेंडर करना है। यूनिवर्स पे आपको बिलीव होना चाहिए। और अगर आपने एफर्ट की है बहुत ज़्यादा फॉर दिस एग्ज़ाम के लिए, तो फॉर श्योर क्या हो सकता है आपको कामयाबी मिले, ओके। और इन आपके इंट्यूशंस ही आपको बताएंगे कि आपको कितनी सफलता मिलेगी आपके एग्ज़ाम में, ओके। ट्विंकल, आपकी रीडिंग को मैंने डन कर दिया है और नेक्स्ट मैं देखती हूँ। जिसने भी मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको वीडियो के नीचे ही कमेंट करना है। सम टाइम आपका कमेंट्स मुझे आ रहा होता है, कम्युनिटी पे सम टाइम आपका पोस्ट मुझे मिल रहा होता है, जहाँ मैं पोस्ट लगाती हूँ कि मैं लाइव आ रही हूँ वहाँ पे, ओके। तो अगला मैं करूँगी कोमल गिल का, ओके। तो कोमल गिल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। कोमल गिल का तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1996, प्लीज डेट ऑफ बर्थ कंसीडर करना, ओके। पहला क्वेश्चन है कि दी मैंने टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, डायरेक्शन हार्ड वर्क कर रही हूँ, आफ्टर 2 मंथ्स एग्ज़ाम है मेरा, तो क्या क्लियर कर पाऊँगी और चांस है गवर्नमेंट जॉब का, ओके। जो आप प्रिपरेशन कर रही हो टीचिंग एग्ज़ाम के, तो देखते हैं कि आपको प्रिपरेशन जो आप कर रही हैं और आप क्या सही डायरेक्शन में हो। देखो ये एंजल्स ही आपको बताएंगे कि आप सही डायरेक्शन पे हो, जो आप तैयारी कर रही हो। आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आपके एग्ज़ाम है, आप क्लियर कर पाएंगी कि नहीं, ओके। कोमल गिल गेस, आपके फर्स्ट क्वेश्चन को मैं करने लगी हूँ, और क्या आप चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अभी टाइम है, ओके, टाइम है। मुझे एंजल्स ऐसा कुछ कह रहा है, लुक फॉर अ साइन। तो आपको कुछ ना कुछ कुछ एंजल्स के साइन हो सकता है आप दिखें, आपको हो सकता है कि आपको यस यस का भी आंसर निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स के साइन का भी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स और डिवाइन पर भी आपका विश्वास होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट जॉब की, पॉसिबिलिटी भी है एग्ज़ाम में क्लियर भी कर सकती हो। ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ टाइम है, मुझे लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, कुछ टाइम लग सकता है आपको। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि 2 महीने बाद पेपर दोगी तो पास हो जाओगी, हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं तो सेकेंड अटैम्प्ट, लेकिन कुछ ऐसा है कि ईयर फ्रॉम नाउ है, ओके। और जॉब भी मिलेगी आपको, अगर गवर्नमेंट नहीं भी मिलती तो हो सकता है किसी और सेक्टर में आपको जॉब मिले, उसके लिए यस के लिए यस है, ओके। बाकी जो आपके 2-3-4 क्वेश्चंस हैं उनको मैं फिर बाद में किसी वक्त डन करूँगी, अभी तक के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं जो भी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय।